हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम नई इकाई सीखेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, महान व्यक्तियों में कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में दुर्लभ प्रामाणिकता होती है, कोई अपने नियम के लिए पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसे ही विशेषताएं रखने वाले व्यक्ति महान बन सकते हैं। तो ऐसे ही महान व्यक्तियों के चरित्र के बारे में हम इस इकाई में अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, इस इकाई का नाम है हम भी बने महान। हम कैसे महान बन सकते हैं, यह इस इकाई में हमें प्रेरणा लेनी है। इकाई में से हमें सीखना है। इस इकाई में चार महान व्यक्तियों के प्रसंग को दर्शाया गया है। कौन कौन से चार व्यक्ति हैं, तो आप सभी को पहचानते ही हैं, आपने उनका नाम भी सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है ना, जिन्हें हम नरेंद्र के नाम से भी पहचानते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान के नाम से प्रचलित है। गोपाल कृष्ण गोखले जो स्वयं सेवक है। हजरत अली जैसे महान व्यक्ति के प्रसंग इस इकाई में दर्शाए गए। मित्रों, आज हम भी बने महान इकाई का अभ्यास करने वाले हैं। इकाई का साहित्य प्रकार है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग यानी किसी प्रसंग के माध्यम से प्रेरणा लेना। हमारे जीवन में उनके जैसे प्रयत्न करके हम भी हमारा जीवन महान कैसे बना सकते हैं, तो इस इकाई से हमें सीखना है। तो फ्रेंड्स, हम इस इकाई में चार प्रसंग के माध्यम से सीख प्राप्त करेंगे। वो चार प्रसंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रसंग है कर्तव्य। नंबर दो, नियम सबके लिए है। नंबर तीन, सफलता का रहस्य। और नंबर चार, प्रामाणिकता। फ्रेंड्स, कर्तव्य में स्वामी विवेकानंद का प्रसंग दिया गया, और वो भी बचपन का प्रसंग दिया। नियम सबके लिए है गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसंग है। सफलता का रहस्य में सचिन तेंदुलकर का प्रसंग हमें वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। प्रामाणिकता में हजरत अली जैसे प्रामाणिक व्यक्ति का प्रसंग है। तो मित्रों, हम इस इकाई का अभ्यास भाग एक और भाग दो के माध्यम से करेंगे। भाग एक में हम कर्तव्य और नियम सबके लिए हैं प्रसंग सीखेंगे, और भाग दो में सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता का अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, हम इकाई सीखने की शुरुआत करते हैं। हम भी बने महान। पाठ की शुरुआत करते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। पहला प्रसंग है कर्तव्य, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बचपन का प्रसंग हमारे समक्ष दिया गया है। हम प्रसंग सीखने से पहले स्वामी विवेकानंद के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम
विश्वनाथ दत्त था। उनके घर का नाम भी नरेंद्र दत्त था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। बेलूर मठ बंगाल रियासत ब्रिटिश राज अब बेलूर पश्चिम बंगाल में हुई थी। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। दर्शन आधुनिक वेदांत राजयोग थे वे। साहित्यिक कार्य राजयोग पुस्तक, कथन उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वेदांत के विख्यात और प्रतिभाशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की वक्तृत्ता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वो आज भी अपना कार्य कर रहा है। वे रामकृष्ण के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु की बड़ी सेवा की। उन्हें 2 मिनट का समय दिया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। तो मित्रों, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के जीवन का और वो भी बाल्यकाल के प्रसंग को हम अब सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रसंग है कर्तव्य पालन, यानी कर्तव्य का प्रसंग अब हम सीखेंगे। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेले में सब क्या ले रहे थे? खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नाम का एक लड़का है, उसने एक शिवलिंग खरीदा और वो कितने रुपये का? 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास 1 चवन्नी बची थी। शिवलिंग खरीदने के बाद भी उसके पास क्या बचा था? 1 चवन्नी। चवन्नी यानी 4 आने का सिक्का बचा था। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, और वहाँ एक लड़का रो रहा था। लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र उससे पूछते हैं, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास 1 चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। लड़का क्या कहता है कि उसके पास क्या थी? 1 चवन्नी थी जो कहीं पे गिर गई है, अब उसकी माँ उसे बहुत ही मारेगी, इसी वजह से लड़का रो रहा है। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। नरेंद्र को उस लड़के पर दया आ गई और नरेंद्र ने उस लड़के को क्या दे दिया? अपने पास जो चवन्नी बची थी वो 1 चवन्नी लड़के को दे दी और वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। नरेंद्र अभी कुछ दूरी पर ही गया था और सामने से देखते हैं तो क्या आती दिखाई दी? मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। बेखबर यानी अनजान। एक छोटा सा बालक था, उसे इस मोटर से बिल्कुल अनजान था कि मोटर उसके सामने आ रही है। एक बालक मोटर से बेखबर था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। झपट कर यानी तुरंत वो बालक को खींच लेता है। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता।
एक पल भी अगर देरी हो जाती तो बालक मोटर के नीचे आ जाता और उसका अकस्मात हो जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। ये झपटने की जो क्रिया हो रही थी तो उस क्रिया में नरेंद्र के हाथ से क्या गिर गया नीचे, शिवलिंग गिर गया और शिवलिंग गिर जाने की वजह से टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, इस दौरान इस समय सभी लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हुए लोगों में से कोई व्यक्ति था, उसने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। वो क्या कहता है कि अरे बेचारे का तो नुकसान हो गया, चाव यानी प्रेम, लगन से, बड़े ही लगन से, बड़े ही प्रेम से उसने यह शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र ने उस आदमी से क्या कहा कि शिवलिंग टूट गया तो क्या हो गया, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तु से अधिक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है कि मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ऐसे ही ख्यालात रखने वाला ये बालक बड़ा होकर कौन से नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस प्रसंग में देखा कि नरेंद्र ने वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति के जीवन को महत्व दिया। वस्तु का मूल्य उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, व्यक्ति का जीवन सबसे ऊपर है और मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए, यही हमें इस प्रसंग से पता चला है। तो नरेंद्र में कौन कौन से गुण आपको दिखाई दिए, तो नरेंद्र में इस प्रसंग से हमें यह गुण दिखाई दिए कि वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति का जीवन अधिक महत्व देता था, उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले किसकी जान बचाई, तो एक बालक की जान बचाई। फ्रेंड्स, दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए हैं। इस प्रसंग में गोपाल कृष्ण गोखले का एक सुंदर प्रसंग वर्णन किया गया है। तो हम सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम प्रसंग का अभ्यास करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी कोटलुक ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्ण राव के घर 9 मई 1866 को हुआ। पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोतती रहती। राष्ट्रभक्ति की अजस्त्र धारा का प्रवाह उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कार्य करते और देश की पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते। न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अध्यापन करते हुए गोखले जी बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। वे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानदे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सोसाइटी की
सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्व सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मित्रों, आप लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन का परिचय प्राप्त किया। आप लोगों को उनके जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम उनका प्रसंग सीखेंगे। प्रसंग का नाम है नियम सबके लिए हैं। अब हम सीखने की शुरुआत करते हैं। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी उत्सव कहाँ हो रहा था? तो पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 1885 में। प्रमुख द्वार पर, प्रमुख द्वार यानी मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला, और नियुक्त यानी कि काम पर लगाया हुआ। जो सेवा की भावना से काम पर लगा है उसे स्वयंसेवक कहते हैं। तो वहाँ एक स्वयंसेवक कार्य कर रहा था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभास्थल पर यथास्थान बिठा दे। कार्यभार यानी कि उचित काम की जिम्मेदारी। उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र को देखकर उन्हें यथास्थान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानदे। तो वहाँ के अतिथि यानी कि मेहमान, उस उत्सव के मुख्य मेहमान थे महादेव गोविंद रानदे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, द्वार यानी कि दरवाजे पर, तो वहाँ वो जैसे ही पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ एक स्वयंसेवक खड़ा था और उसने बड़े ही शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता का उच्चार करते हुए उसने उनसे निमंत्रण पत्र की मांग की। उनसे निमंत्रण पत्र मांगा। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानदे ने कहा। रानदे क्या कहते हैं उनसे? कि बेटा, मेरे पास तो कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो फिर मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, तो मैं आपको अंदर जाने के लिए प्रवेश नहीं दे सकता, यानी कि अंदर नहीं भेज सकता, उसने बड़े विनय के साथ कहा। द्वार पर रानदे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। द्वार पर अतिथि को देखकर, मेहमान को देखकर स्वागत समिति यानी कि स्वागत करने वाले कई व्यक्ति, कई सदस्य वहाँ पे आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मंच की ओर यानी कि सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए एक स्थान बनाया हुआ होता है, यानी कि स्टेज बनाया हुआ होता है। तो उन्हें स्टेज की ओर ले जाने का प्रयास यानी कि प्रयत्न करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा। मगर स्वयंसेवक आगे आ गया और कहने लगा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। उन्होंने क्या कहा कि मेरे कार्य में स्वागत समिति के सदस्य आप रोड़ा अटकाना, यह मुहावरे का अर्थ है। रोड़ा अटकाना यानी कि कार्य में बाधा डालना, विघ्न डालना। अगर आप ही ऐसे विघ्न डालोगे तो मैं अपना कर्तव्य, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है वो मैं किस प्रकार निभा सकूँगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए। कोई भी अतिथि हो, कोई भी मेहमान हो, मगर उसके पास निमंत्रण पत्र तो होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी,
भेदभाव की यानी कि व्यवहार में ऐसा अंतर, एक जैसा व्यवहार न होना कि किसी को निमंत्रण पत्र देकर भेजना और किसी को वैसे ही भेज देना, ऐसी भेदभाव की नीति मुझसे नहीं हो पाएगी। तो यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये जो स्वयंसेवक थे वो बड़े होकर आगे चलकर कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। फ्रेंड्स, वे भारत के स्वतंत्र सेनानी थे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दो प्रसंग सीखे। सबसे पहला प्रसंग कर्तव्य पालन और दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है। सबसे पहला प्रसंग है स्वामी विवेकानंद और दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसंग जो हमने यहाँ सीखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भाग एक में कर्तव्य और नियम सबके लिए हैं यह दो प्रसंग सीखा। कर्तव्य पालन हमें स्वामी विवेकानंद से सीखना चाहिए। नियम सबके लिए है में नियम पालन कैसे कर सकते हैं वो हम गोपाल कृष्ण गोखले से सीखेंगे। मित्रों, आप लोगों के जीवन में भी कर्तव्य का गुण नियम पालन होना चाहिए। नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम इस इकाई में दो प्रसंग सीखे हैं। अगली इकाई में हम अगले वीडियो में इस इकाई का भाग दो सीखेंगे। भाग दो में हम सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता का प्रसंग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आशा रखती हूँ कि आप लोगों को इस प्रसंग में समझ आ गई हो। अब हम नया प्रसंग नए भाग में सीखेंगे, नए वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।